हेलो माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। दोस्तों हाजिर हूँ। करंट एनर्जी क्या है आपके पर्सन की, अभी हम बात करेंगे उसके ऊपर। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। थीटा पर आपने ध्यान नहीं देना है। एनर्जीज अगर आपके साथ मैच करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। कुछ भी मैच करता है तो उसको रख लेना है, ठीक है। अगर कुछ मैच नहीं करता है तो ज़बरदस्ती कुछ भी फिक्स नहीं करना है अपने ऊपर, ओके। ओपन माइंडेड होकर आपने देखना है, क्योंकि रीडिंग ये जर्नल है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग है जो वो पेड होती है, वो फ्री नहीं होती है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, एंड में हम गाइडेंस भी लेंगे, देखेंगे कि यूनिवर्स हमें क्या गाइड करते हैं। रीडिंग को आपने एंड तक देखना है, टैप टैप नहीं करना है। जब मैं कार्ड शफल करूँगी तो आपने अपने पर्सन का नाम लेना है अपने नाम के साथ। तो देखेंगे कि कौन से कार्ड्स आते हैं और हमें क्या बताते हैं आपके पर्सन के बारे में। लीजिए, कीजिए ध्यान अपने पर्सन का। 3 बार नाम लीजिए, आइज क्लोज कीजिए और उनका स्वीट सा, ब्यूटीफुल सा चेहरा, सुंदर सा, हैंडसम सा चेहरा अपनी आंखों के सामने लेके आइए। तो देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या बताते हैं। ओके, वाओ, ये तो कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं, ठीक है। काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है आपके रिलेशन में, ठीक है। पॉजिटिव रहना है, उदास बिल्कुल नहीं होना है। जो कुछ भी होता है हमारी डेस्टिनी में, जो लिखा होता है वही होता है, ठीक है। यूनिवर्स को पता है हमारी डेस्टिनी में क्या है, वो हमें हमेशा वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, ठीक है। बिल्कुल भी आपने उदास नहीं होना है। डेथ कार्ड है तो चेंज आने वाला है आपके रिलेशन में, ठीक है। वाओ, आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ठीक है। या तो उनका वर्क हो सकता है, फैमिली हो सकती है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, कास्ट हो सकती है, एज इशू हो सकता है, ठीक है। लव पार्टनर भी हो सकता है, राइट। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, 10 ऑफ कप्स आया है। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, 10 नंबर 2 बार आया है, तो कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा, आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलें अब हम करते हैं बात आपके करंट एनर्जी की। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। इसको हम ना यहाँ रख देते हैं। पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल उदास नहीं होना है। मैं ये प्रेयर करती हूँ कि आपको अपने पार्टनर का प्यार मिले, आप उनके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी स्पेंड करो, खुशियाँ हो आपकी लाइफ में, ठीक है। मैं हर रोज़ अपने व्यूअर्स के लिए ये प्रेयर करती हूँ। चलें अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे जो प्लस पॉइंट दिखाई दे रहा है वो है कि आज भी आपके पर्सन ने इस रिश्ते में उम्मीद रखी है, ठीक है। वो आज भी, उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपको 10 मंथ्स हो गए हैं, ठीक है, हो सकता है आपको 10 वीक्स हुए हों, मतलब जितना भी टाइम हो गया है, आपके पर्सन को आज भी ये उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। अगर मैं देखूं तो स्टार्टिंग में आप दोनों एक दूसरे से सडनली मिले होंगे, जैसे कि जब आप अपनी लाइफ में उस दौर में होंगे जब आप बहुत अकेले थे या आपकी लाइफ में काफ़ी परेशानियां थी, तब आपके पर्सन ने आपकी लाइफ में एंट्री ली होगी। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, हो सकता है आपके पर्सन परेशान हो जिसके और आप उनकी लाइफ में तब आए जब उनकी लाइफ में परेशानियां चल रही थी, ठीक है। ओके, स्टार्टिंग में जब आप अपने पर्सन से मिले होंगे तो मतलब आप दोनों को एक दूसरे से ना, कहते हैं ना, पहली नज़र में ही प्यार हो गया होगा। स्टार्टिंग में बहुत कुछ अच्छा था, द स्टार कार्ड आया है, बहुत सब अच्छा अच्छा था। आपके पर्सन आपको पूरा टाइम देते थे, ठीक है। पहले आप दोनों दोस्त बने, फिर धीरे धीरे आपके अंदर जो प्यार है ना वो पनपना स्टार्ट हुआ। एक अजीब सा अट्रैक्शन आप फील करने लगे एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो आप जो स्टार्टिंग में आपका रिश्ता ना बहुत पॉजिटिव था,
यहाँ पे मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी लग रहा है, आप दोनों को जब प्यार हुआ तो अनएक्सपेक्टेडली हुआ होगा, ठीक है। आपके पर्सन ने सोचा नहीं होगा कि आप दोनों एक दूसरे को प्यार करोगे या इस रिलेशन में आ जाओगे, ठीक है। और फिर इतना प्यार करोगे कि एक दूसरे के बिना जी नहीं पाओगे। आपके पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके पर्सन जब आपसे दूर हुए तो उन्होंने सब कुछ हिडन कर लिया, उनमें बहुत सारा चेंज आया। धीरे धीरे आपने उस चेंज को देखा, जैसे कि उनके बिहेवियर में चेंज आना स्टार्ट हो गया। एकदम से वो चुप रहने लगे, आपके जो क्वेश्चन या आपकी जो चैट थी, सॉरी, आप जो उनसे पूछते थे उसका आंसर नहीं वो इतनी जल्दी करते थे, ठीक है। एकदम से चुप हो गए, आप पूछते रहते थे कि क्या हुआ, बस मैं ठीक हूँ, ऐसे आपको ना उनके आंसर मिलते होंगे। एक दूसरे की केयर करना, ध्यान रखना, मैसेज करना, ये पहले ना चल आपके बीच में दोनों में था, लेकिन जैसे ही उनके अंदर उनके बिहेवियर में चेंज आया, ठीक है, तो उन्होंने इन सब चीज़ों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। आपने इस रिलेशन में बहुत काम किया है, 8 of Pentacle आया है, पूरे डेडिकेशन के साथ आपने इस रिलेशन के ऊपर वर्क किया है, अपने पर्सन की ओर ध्यान दिया है। तीथा पर आपने ध्यान नहीं देना है, राइट। तो आपके जो जब आपके पर्सन के अंदर चेंज आया तो आप भी काफ़ी शॉक्ड हो गए कि ये क्या चल रहा है, मैं पूछती हूँ आपको आंसर नहीं मिलता है। आप जब उनको मैसेज करते थे वो सीन करते थे लेकिन रिप्लाई नहीं करते थे। अभी क्या हो रहा है, अभी उनके अंदर चेंज आ रहा है, बहुत जल्द आपके रिलेशन में भी चेंज आप देखोगे। अभी थोड़े से कंफ्यूज हैं, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बट बहुत जल्दी डिसीजन लेंगे। ओवरथिंकिंग मेरे को यहाँ पे बहुत नज़र आ रही है, अपने ही अपने आप को सवाल करना और अपना अपना आप ही आंसर देना, ठीक है। काफ़ी उलझे हुए हैं अपनी ही सोचों में, बहुत सोचते हैं, बहुत ओवरथिंक करते हैं, और जिसके कारण ना ओवरथिंकिंग हमें कहाँ लेके जाती है, नेगेटिविटी की तरफ। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं और फिर नेगेटिव हो जाते हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को सोच रहे हैं कि आपने शायद मूव ऑन कर लिया है, क्या मुझको ट्राई करना चाहिए, इस रिश्ते में वापस जाना चाहिए। बहुत नेगेटिव हो रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, काफ़ी कन्फ्यूजन है, पेन भी बहुत है, निराश भी हैं। डेविल कार्ड आया है तो आपको लेके ऑब्सेशन है उनके अंदर बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको लेके क्रेव करते हैं, बहुत सोचते हैं आपकी तरफ, एक अलग ही अटैचमेंट जो है ना उसको फील करते हैं। आपका आपके अट्रैक्शन के कारण वो आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, दिन रात वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, जिसके कारण ना आप मैनिफेस्ट हो रहे हो। क्या करते हैं, जब वो आपके बारे में लगातार दिन भर रात भर सोचते हैं तो आपको भी एक अलग सा खिंचाव उनकी तरफ फील होता होगा। आपकी भी नींद रात को 3 से 5 के बीच टूटती होगी, ठीक है। अचानक से आप रोते होगे, एक हैवीपन सा ना आप फील करते होगे, कि आपको एक खिंचाव सा फील होता होगा। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन उस समय आपको याद करते हैं। कई बार मैंने मेरे को ऐसे लगता है कि उनकी बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनकी जो तड़प है ना आपको लेके वो बढ़ती जा रही है। आप दोनों सेम पेज पे हो, दोनों का हाल एक जैसा है, फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं करते हो। आपके दिल में जो होता है आप ऑनेस्टली बता देते हो अपने पर्सन को, लेकिन आपके पर्सन अपनी फीलिंग के साथ ऑनेस्ट नहीं है, वो अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखते हैं, ठीक है। 9 of Wands आया है, बिल्कुल अपने चारों ओर उन्होंने एक दायरा सा बना के रखा है कि मुझे अपनी फीलिंग्स शो नहीं करनी है, लेकिन आपसे प्यार बहुत करते हैं। और वो काफ़ी लगता है कि आपको जैसे काफ़ी टाइम हो गया है अपने पर्सन से दूर हुए, तो उनको ऐसे लग रहा है कि अभी तो उसके मन में क्या मेरे लिए फीलिंग होगी, क्या वो सोचती होगी मेरे बारे में, या उनको ऐसे क्या वो सोचता होगा मेरे लिए, ठीक है। आपके पर्सन इस समय ना आप दोनों के बीच रनर और चेजर वाली पोजीशन मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है। पहले आप उनके पीछे दौड़ते थे, ठीक है, उनके पीछे पीछे उनको चेज करते थे और वो आगे भागते थे, लेकिन अभी ये हो गया है कि आप आगे भाग रहे हो और आपके पर्सन आपको चेज कर रहे हैं। अभी आप बोलोगे कि दी हम तो नहीं, हम तो आज भी उनकी वेट कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में मेरे को ये सिचुएशन साफ दिखाई दे रही है कि आप आगे चले जाओगे, आप आगे बढ़ोगे और आपके पर्सन आपको चेस करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन के अंदर बहुत बड़ा चेंज आने वाला है।
जैसे कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग में आप दोनों के का सब कुछ अच्छा था, आप बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल थे, हर बात एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे, फीलिंग्स शेयर किया करते थे। लेकिन सडनली आपके पर्सन के अंदर जो चेंज आया ना, अब क्या हो गया है, वो हर चीज़ को हाइड करने लग पड़े हैं। इवन कि आज भी आप इस चीज़ को मानने को रेडी हो कि हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आपके पर्सन अब इस चीज़ को हाइड कर रहे हैं। अगर वो आपसे दूर भी गए हैं ना, तो उनकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी थी जिसके कारण वो आपसे दूर गए। आपके पर्सन इस दूरी को, इस चुप्पी को ना अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, अपने आप को ना काफ़ी हारा हुआ समझ रहे हैं। थर्ड पार्टी जो मुझे यहाँ नज़र आई है, वो थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर कोई सिचुएशन दिख रही है आप दोनों के बीच में, कुछ ऐसी सिचुएशन आई, कुछ ऐसी मजबूरी आई कि आपके पर्सन आपसे दूर हो गए। जैसे मैं आगे भी बताती हूँ कि थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, लव पार्टनर, फैमिली, फ्रेंड्स, जैसे मैं आगे बताती हूँ, लेकिन अभी इस बार मुझे ये थर्ड पार्टी जो दिख रही है, वो आप दोनों के बीच में कोई सिचुएशन है जिसके कारण आपके पर्सन आपसे बहुत मजबूरी के कारण आपसे दूर गए। देखो, 10 ऑफ पेंटिकल आया है, अब इस रिश्ते में ना होप है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स आया है, ठीक है। वाह, हाई प्रिस्टेस आया है, यस। अब इस रिश्ते में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस लेके आएंगे, अपनी फैमिली में लेके आएंगे। वो डे ड्रीमिंग करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं कि हमारी फैमिली होगी, हमारे बच्चे होंगे, दिन रात वो आपके बारे में सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। तभी तो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इस रीडिंग में आज मुझे ये प्लस पॉइंट लग रहा है कि आपके इस रिलेशन में आप जैसे अगर हार कर बैठ गए हो कि वो वापस नहीं आएगा या वो वापस नहीं आएगी, वो बात नहीं है। इस रिलेशन में अभी होप है, आपके पर्सन बहुत जल्दी आपको अप्रोच करेंगे, आपको अपनी फैमिली में लेके आएंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनके अंदर, काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। अगर उनमें चेंज आएंगे तो इस रिलेशन के अंदर भी आप चेंज देखोगे। उनके सडनली वो आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। डेविल की एनर्जी है, वो आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत सोचते हैं। डेविल के नीचे ही 5 ऑफ स्वॉर्ड है, अपनी ही बातों में उलझे रहते हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि 10 ऑफ कप्स आया है, बॉटम ऑफ द डेक। वो आपको बहुत जल्दी, दोनों में देखो आप फैमिली दिख रही है, वो आपको अपनी फैमिली में लेके आएंगे, ठीक है। हो सकता है 10 वीक्स के अंदर, या जो अक्टूबर का मंथ है, उस दौरान आपके पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। डेथ कार्ड आया है, तो चेंज तो डैम श्योर है कि चेंज आपके रिलेशन में आने वाला है, आपके पर्सन के अंदर चेंज आने वाला है। स्टार कार्ड आया है, इतने बड़े बड़े कार्ड आए हैं हमारी रीडिंग में, तो ये तो श्योर है कि आपके पर्सन बहुत जल्दी आपको अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है। तो हम ना आज मैंने आपके लिए कुछ डेक मंगवाए थे, 2 मेरे आने वाले हैं, तो हम लेंगे अपने बप्पा से गाइडेंस लेंगे, और देखेंगे कि इस रिलेशन के ऊपर बप्पा हमें क्या गाइड करते हैं, ठीक है। तो आपने ये जो डेक है ना, इसका नाम है विस्पर ऑफ लॉर्ड गणेशा, ठीक है। तो आपने अपनी कोई भी विश जो आप चाहते हो इस रिलेशन को लेके, तो आप सोच लीजिए। तो मैं एक कार्ड निकालूंगी, कार्ड्स बहुत बड़े हैं, मेरे हाथ में नहीं आते हैं। चले, मैं एक कार्ड निकालने वाली हूँ, तो देखते हैं कौन सा कार्ड आता है और बप्पा आपको क्या गाइड करते हैं, ठीक है। बताइए बप्पा, क्या आप बताना चाहते हो आप मेरे व्यूवर्स को, का क्या गाइड करना चाहते हो आप उनको इस रिलेशन को लेके, क्या करना चाहिए उनको, ठीक है। मैं एक कार्ड निकालती हूँ, ओके। कॉन्सेंट्रेशन, आपको अपनी ग्रोथ की ओर ध्यान देना है, गणेश जी आपको सपोर्ट करेंगे। गणेश जी आपको यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि आपको अपने जो आपके अंदर जो हिडन टैलेंट है ना, आपको उसके ऊपर वर्क करना है, ठीक है। अपनी ग्रोथ की ओर ध्यान देना है, डिस्ट्रैक्शन के ऊपर काम करना है, जिसकी तरफ आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो उसको आपने ख़त्म करना है।
हर एक के साथ अच्छा ट्रीट करना है। अगर आप अच्छा करोगे दूसरे के साथ, अगर आप जैसे चाहते हो कि आपके साथ अच्छा हो, तो दूसरों के साथ भी आपको अच्छा करना होगा। तो गणेश जी आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपको अपनी ग्रोथ की ओर ध्यान देना है, अपने फोकस की ओर ध्यान देना है, अपने गोल को अचीव करना है, ठीक है। सिर्फ अपने पर्सन की वेट नहीं करनी है, एक जगह पे खड़े नहीं रहना है, आगे बढ़ना है और अपने काम की ओर, अपनी ग्रोथ की ओर ध्यान करना है, ठीक है। ये तो थी आपके लिए गाइडेंस। तो हम थोड़े से नेम इनिशियल और लेटर्स एंड नंबर्स भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखना क्या नाम बनता है या क्या आता है। चलें देखते हैं हम गाइडेंस का ये वाला कार्ड हम सामने रख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको। चलें अब हम देखते हैं कि कौन से लेटर्स आए हैं। लेटर जे आया है, डी, वाओ एंजल्स हमारे साथ हैं। सी अगर आपको दिख रहा है, एंजल्स हमारे साथ हैं, तो इसको भी हम यहाँ रख लेते हैं। ये पता नहीं मेरे को कहाँ से आया है। पी नंबर सिक्स, नंबर सिक्स, सिक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्यू आर देख लीजिएगा कौन सा नाम बनता है। एम मिस्टर, आपके मिस्टर, ठीक है। सी एफ देख लीजिएगा, सिक्स नंबर फिर से आया है, सिक्स सिक्स सिक्स, तो सिक्स नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर एट ओ के वाई, पी, पी भी दो बार आया है, डी भी दो बार आया है, वाओ नंबर सिक्स, फिर से नंबर सिक्स आया है। सिक्स नंबर आपके रिलेशन में बहुत अच्छा, कुछ अच्छा होने वाला है। सिक्स नंबर इस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। 36 आपके पर्सन की एज हो सकती है, 38 हो सकती है, एन आया है, ए आया है, ठीक है। जो सिक्स नंबर होता है, एंजल नंबर, ये आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां लेके आना चाहता है, आने वाला है। आपके रिलेशन में एक नई शुरुआत लेके आएगा। तो सिक्स नंबर बहुत स्पेशल है, तो आपने कमेंट सेक्शन में 6666 लिखना है, ठीक है, कमेंट करना है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है तो जल्दी से इसको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है। कुछ भी मैच किया है तो उसको मेंशन करना है और सिक्स नंबर ज़रूर लिखना है कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे प्यार के साथ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।